देखिए, महाराष्ट्र की कानून और व्यवस्था स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। कुछ दिन पहले बदलापुर में एक हादसा हुआ, 4-4 साल के बच्चों पे किसी ने अत्याचार किया और एक आदमी को वहां पे गिरफ्तार करके सामने रखा गया और उसको एनकाउंटर करके उसकी आवाज बंद कर दी गई। तो इसके पीछे कोई और व्यक्ति है जिसको बचाने की कोशिश सरकार की ओर से हुई। ये बदलापुर की घटना हुई, एनकाउंटर किलिंग महाराष्ट्र में होते थे लेकिन अब बंद हो गए थे। अब ये जो है, क्या ये गैंगलैंड किलिंग है, क्या ये एक्सटॉर्शन किलिंग है, क्या ये पॉलिटिकल एनिमिटी है, क्या है ये? कोई तो इसकी जिम्मेदारी ले। 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को जान लेने की धमकी आई थी, उसके बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई थी, फिर भी इनकी हत्या हुई है, तो क्या पुलिस सो रही थी? मुंबई पूरे देश में एकमात्र शहर है, बड़ा शहर है, जहां पे दो दो पुलिस कमिश्नर है, एक मुख्यमंत्री का पुलिस कमिश्नर है, एक गृह मंत्री का पुलिस कमिश्नर है। किस तरह से चलेगी कानून व्यवस्था? देखिए, हमारी डिमांड तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं नहीं समझता सरकार कोई जिम्मेदारी लेगी। लेकिन हम मांग करते रहेंगे, कानून व्यवस्था जिस तरह से पुलिस अफसरों के तबादले हो रहे हैं, अपने फेवरेट आदमियों को रखा जा रहा है, कॉम्पिटेंट आदमियों को दूर किया जा रहा है, इसका अंजाम यही होगा। कल एक दर्दनाक घटना हुई मुंबई में, अपने ऑफिस के बाहर बाबा सिद्दीकी जी का जो है वो गोली मार के हत्या की गई। बाबा सिद्दीकी जी और हमारे परिवार के भी बहुत संबंध थे। पिछले कुछ साल पहले वो कांग्रेस में थे, फिर अजीत दादा पवार गुट में वो शामिल हो गए, अजीत दादा गुट के वो नेता थे। कल वो अपने लड़के जिशान सिद्दीकी के ऑफिस में थे जहां पे उन पे हमलावरों ने हमला किया और गोली फायरिंग करके उनकी उसमें मुद्दई मौत हुई है। पर इस मौत के बाद कई सवाल पैदा हुए हैं। आज मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, सरकारी पक्ष से पूछना चाहती हूँ कि आज उनके शोकाकुल परिवार और हम सब लोग जो है महाराष्ट्र की जनता पूछना चाहते हैं आप सभी से कि जिस तरह से ये 15 दिन में दूसरी घटना है जिसमें गोलीबारी चल के जो है वो मौत हुई है, साथ साथ में साल भर में अगर आप देखोगे तो ये 4th-5th घटना है जहां पे बंदूकें चली हैं। बंदूकें चाहे अभिषेक घोषाल कर रहे, चाहे भैकड़ा की घटना रहे, चाहे बाबा सिद्दीकी जी के दुर्दैवी मौत की घटना रहे, सिद्धिविनायक के बाहर बंदूकें चलने की बात हो या पुलिस स्टेशन में बंदूकें चलने की बात हो, कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह से सोच में डालता है कि आज कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति क्या है। आज महिलाएं न रेलवे स्टेशन पे सुरक्षित है, न बच्चियां स्कूल में। आज रस्ते पे चलने वाली महिलाओं को जो है या लोगों को जो है वो हिट एंड रन केसेस हो रहे हैं। आज सत्ता पक्ष के आमदार जो है वो लोगों को डराने का काम करते हैं, पुलिस के बारे में बात करने का काम करते हैं, हम आपकी बदली कर देंगे, आप अपने फैमिली को मिल भी नहीं पाओगे, हम घर में घुस के मारेंगे, हम पुलिस को क्या करेंगे, पुलिस वीडियो बनाएंगे और अपनी बीबी को दिखाएंगे, इस तरह की भाषा करते हैं, बुजुर्गों को मारा जाता है। ये महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है, ये कौन सा महाराष्ट्र हम दे रहे हैं? जिस व्यक्ति को वाय सिक्योरिटी होती है उस व्यक्ति को गोली मारी जाती है, वो भी बीच सड़क में मुंबई जैसे शहर में। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो पैदा होता है कि अगर सत्ताधारी पक्ष के लोगों को सुरक्षा नहीं है तो विपक्ष की बात क्या है, आम जनता की बात क्या चर करेंगे आप? तो मेरा सबसे बड़ा ये कहना है, सबसे पहले तो नैतिकता लेके उपमुख्यमंत्री महोदय ने खुद राजीनामा देना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री ने और केंद्रीय मंत्रियों ने उनसे राजीनामा ले लेना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के कायदा सुव्यवस्था का जो आज अवस्था है वो कहीं ना कहीं सबके कंसर्न की बात है। और इसीलिए मेरा कहना है कि आपको राजीनामा देना चाहिए। जिस तरह से आपने कायदा सुव्यवस्था के झंडौड़े निकाले हैं वो सबसे बड़ी गलत बात हो रही है और महाराष्ट्र में कभी ऐसा नहीं था। मुझे लगता है मुंबई कांग्रेस के एक प्रोग्राम से निकल रहे थे, उसके बाद मुझे आज भी याद है, हम थर्ड वेव कॉफी में बैठ करके कॉफी वॉफी पी थी और उस समय वो निश्चित तौर पर कांग्रेस से बहुत नाराज थे, मुझे भी बता रहे थे कि निकल जाओ, छोड़ना चाहिए। तो ये सब होता रहता है, लेकिन जो घटना घटी है कल वो हम सब के लिए बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। बाबा भाई एक बहुत अच्छे इंसान, बड़े नेकदिल इंसान, हमेशा हंसते रहने वाला इंसान, सबकी मदद करने वाला व्यक्ति, और जो रैक्स टू रिचेस कहते हैं उस तरह के एक इंसान थे। हम लोग के तो बड़े व्यक्तिगत दोस्त थे, हम लोग साथ में काम किए थे, तो ये हमारे लिए एक व्यक्तिगत लॉस है, हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा, अचानक मतलब विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो हुआ है उसके लिए मुंबई पुलिस को और सरकार को बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा
और जो भी हत्यारे हैं, दो हत्यारे पकड़े गए हैं, एक फरार है, अभी शायद इंदौर का रहने वाला है वो। और मुझे बताया गया कि वो लगभग एक महीने से कुरला में कोई फ्लैट लेकर रह रहे थे और उनकी रेकी कर रहे थे। तो उसको यहाँ लाने वाले कौन, उनको सुपारी देने वाले कौन, इन सब की जांच होनी चाहिए। और इस सब की जांच के लिए मुंबई पुलिस और हमारा क्राइम ब्रांच बहुत सक्षम है, बहुत प्रोफेशनल टीम है हमारे पास। तो जितना जल्दी हो इसकी छानबीन करें और पता लगाएं कि कौन से ग्रुप हैं, कौन से लोग हैं जिन्होंने हमारे एक इतने अजीज दोस्त की जान ली। नहीं देखिए, ऐसा है, कोई भी अपराध होता है या आपराधिक घटना घटती है तो निश्चित तौर पर वो पुलिस के लिए एक चैलेंज होता है, कानून के लिए चैलेंज होता है, सरकार के लिए चैलेंज होता है। लेकिन उसे घटना के आधार पर कहना कि पूरा कानून और व्यवस्था कोलैप्स हो गई है, मुझे लगता है ये निष्कर्ष निकालना थोड़ी ज्यादती होगी। और जो लोग फडणवीस जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि आप फडणवीस जी की जगह बैठ जाइए और आप गारंटी दे दीजिए कि फिर कभी गोली नहीं चलेगी मुंबई में। सर, मराठी अपराधी हैं, अपराधी हैं, खतरनाक हैं, इन अपराधियों से निपटने के लिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा। और ऐसे हादसों के समय राजनीति नहीं की जाती है, ये एक हमारे दोस्त के पिता की जान गई है, एक हमारे दोस्त की जान गई। तो ऐसे में कोई राजनीति करने के बजाय कैसे इस तरह के हादसे आइंदा न हो, हमारा कोई भाई, हमारा कोई साथी किसी की गोली का निशाना न बने, इसके ऊपर सोचना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कौन सा गैंग है, क्या है, और इस पर अधिकृत तौर पर अगर कोई बता सकता है, सिर्फ मुंबई पुलिस बता सकती है, और उसको भी छानबीन के बाद बताना चाहिए। कल गोली चली और आज इस प्रकार की बातें मीडिया में दे देना या आ जाना, मुझे लगता है थोड़ी जल्दीबाजी है, थोड़ा तफसीस हो जाने दीजिए, पता चलेगा कौन लोग हैं इसके पीछे। नहीं, मला असं वाटत नाही की कायदा आणि सुव्यवस्था महाराष्ट्रात एकदम आणि मुंबईमध्ये एकदम कोळसळली आहे, मला असं काही वाटत नाही। हा एक मोठा प्रश्न आहे। बाबा सिद्दीकी एक मोठे राजकारणी होते, आम्ही सर्वांचे मित्र होते, आणि त्यांच्यावर ज्याप्रमाणे ज्या प्रकारे त्यांच्यावर गोळीबार झाला तो दुःखद घटना आहे। आणि या दुःखद घटनाबद्दल सरकार आणि पोलीसतर्फे एक योग्य रीतीने कारवाई झाली पाहिजे। मला असं माहीत पडलेलं आहे की क्राईम ब्रांचचे तीन तीन या किंवा पाच पाच टीम वेगवेगळ्या दिशेला निघालेले आहेत एक तफसीस करण्यासाठी। तो एक समजा एक येत्या दोन तीन दिवसात एक क्राईम ब्रांचतर्फे एक चौकसी रिपोर्ट आईल आणि आम्हाला समजेल की एक्झॅक्टली कोण होता बाबा भाईच्या हत्या करण्याच्या मागे। हा महज एक योगायोग होऊ शकतो। मला असं वाटत नाही की बाबा भाईवर जो हल्ला झालेला आहे त्याच्यामागे काहीतरी काही प्रकारचं राजकारण आहे, मला असं वाटत नाही। प्राइमा फेसाई मला असं सांगायचं आहे, पण बहुतेक एक चौकशी होऊ द्या आणि चौकशीच्या नंतर माहीत पडेल। पण मला असं नाही वाटत की अजित पवार साहेबांच्या विरोधात लोक लागलेले आहेत आणि यासाठी त्यांच्या लोकांवर हल्ला करत आहेत, मला असं काही वाटत नाही। बहुत ही इस घटना को क्या बोलेंगे हम, बहुत ही शर्मनाक घटना है सरकार के लिए। और मुझे दर्द है कि मेरा दोस्त था, वो 25-30 साल पुराना दोस्त था, पार्टी बदली, पार्टी ये हुआ वो हुआ, उससे कोई फर्क नहीं गिरता है, लेकिन दोस्ती दोस्ती होती है। मैं वही पूछ रहा हूं ना, दो महीने रेकी कर रहे थे तो पुलिस क्या सोई हुई थी क्या? पुलिस सोई हुई थी क्या? अंडरवर्ल्ड मुंबई पे हावी हो गया था, जिसको मांगता है तभी मार देते थे, पर पुलिस ने उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। ये मुंबई पुलिस की हैसियत थी। पर लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के आखिरी तक पहुंचता है और उसको रात को 3 बजे उठाया जाता है किसी के कहने पे। इसको क्या कहोगे आप, इसको क्या कहोगे आप? इतना इंटरफेरेंस बंद करो। अरे आम जनता महसूस करेगी ना, बोलेगी हमारे सामने एक आमदार मारा जाता है, हमारी मौत तो कभी भी आ सकती है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। सत्ताधारी पक्ष के कार्यकर्ता ऐसे जाते हैं पुलिस स्टेशन, उनके बाप का घर है और पुलिस भी उनका ही सुनती है। अरे ये तो सब ये आचार संहिता लगने के बाद मैं तो ये सब पुरावे के साथ दूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।